So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to chapter 6 of our ICSE class 10 commercial studies. इससे पहले हमने 5 chapters कर लिया था and now we are going to do a very very simple, very very easy chapter which is capital and revenue, expenditure and income. ठीक है, तो सबसे पहले आप इस word का मतलब समझो. Capital का मतलब क्या होता है? In accounting terms, in commercial terms, capital is anything that will have long term effect. ठीक है, तो इसका जो इंपैक्ट होता है वो एक लंबे समय तक होता है. जब कोई चीज आज हो रही है बट द इंपैक्ट विल बी लॉन्ग टर्म, मल्टीपल इयर्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. एंड अगर कोई चीज डे टू डे है या फिर कहने का मतलब है इंपैक्ट विल बी स्मॉलर, नॉट मल्टीपल इयर्स, इंपैक्ट विल बी विद इन वन ईयर, तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं. ठीक है, तो आइए डिटेल में इस चैप्टर को करते हैं. व्हाट एवर मार्किंग आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन आप उसको बस करते हुए चलना. ठीक है, हमारे सिलेबस में ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओनली कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स है. कैपिटल लॉसेस, रेवेन्यू लॉसेस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. आईसीएसई क्लास 10 में पॉइंट नंबर 3 और 4 नहीं आए. आइए समझते हैं व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे. तो कोई ऐसा खर्चा जो आप कर रहे हैं इस ईयर में बट बेनिफिट्स यू विल गेट इन मल्टीपल ईयर्स. ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसे एंजॉय करेंगे. जैसे कि परचेज ऑफ अ बिल्डिंग, परचेज ऑफ एनी एसेट्स. एसेट्स वो होते हैं जो आपको बिजनेस चलाने में काम आते हैं. ठीक है, बिल्डिंग इज एन एसेट, लैंड इज एन एसेट, मशीनरी इज आर एसेट, एनीथिंग जो आप बिजनेस में खरीद रहे हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी है और उसे आप मल्टीपल इयर्स तक यूज करेंगे, वो मल्टीपल इयर्स तक आपको फायदा देगा, उसे हम एसेट कहते हैं. सो व्हेन वी परचेज एनी एसेट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? ओके, आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में एक बार फीचर देख लेते हैं. ठीक है, फीचर्स समझने से मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस में ओनली मीनिंग बोला है बट मीनिंग को और क्रिस्टलाइज करेंगे फीचर समझ के. नंबर वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स में लगाया जाता है. सो व्हेन यू बाय बिल्डिंग, व्हेन यू बाय लैंड, व्हेन यू बाय मशीनरीज, दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ, इसकी बेनिफिट जो है वो सेवरल इयर्स तक हम लोग यूज करते रहेंगे इसको. इसकी बेनिफिट सेवरल इयर्स तक आएगी. कैपिटल एक्सपेंडिचर में पॉइंट नंबर 3 इज सेइंग कि मान लो आपने मशीन खरीदा 1 लाख में, तो 1 लाख तो आपको एक्सपेंडिचर लगेगा ही. बट वो मशीन आपने 1 लाख का खरीदा एंड आपने अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक लाने में और 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया, तो उसे भी जोड़ देना और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,10,000 का हो जाएगा. सो व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, तो बाइंग कॉस्ट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, बट एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, तो उसे भी हम जोड़ देंगे और टोटल कॉस्ट विल बी आवर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर आप कुछ खर्चे कर रहे हैं जो कि इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट में लग रहा है. ठीक है, अगर आप कुछ खर्चे कर रहे हैं जो कि इंप्रूवमेंट ऑफ एनी एसेट में लग रहा है, जैसे मेरा मशीन था और वो मशीन 5 ईयर्स से हम लोग यूज कर रहे थे, अब वो मशीन थोड़ा सा खराब हो गया है, राइट? अब हम लोग रिपेयर नहीं करा रहे, पूरा इंप्रूवमेंट करा रहे हैं मशीन को, एक अपडेशन करा रहे हैं मशीन को. सो द मशीन विल बी इनफैक्ट बेटर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली. उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी सुधर जाएगी. तो ऐसे खर्चे को भी आप एक तरीके से मान लेना कि आपने नया मशीन ही खरीदा है. जब परफॉर्मेंस ही बेटर हो जाएगा, जब इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तो आप ऐसा मान लेना कि आपने रिपेयर नहीं कराया, आपने उसको एक तरीके से नया मशीन ले लिया, ऐसा मान के चलेंगे. So it will also be capital expenditure. ठीक है, 4 पॉइंट काफी है, थोड़ा आपको मीनिंग समझ में आया होगा. सो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट्स एंड इट बेनिफिट विल कम इन मल्टीपल ईयर्स. ठीक है, एग्जाम्पल आपको बोला है पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल जो जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है. आप ऑल एग्जाम्पल करना क्योंकि आपको केस स्टडी में दे सकता है, आपको वो कोई एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं. So, आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, और थोड़ा तो हमने डिस्कस ही कर लिया था अभी. लेट अस नाउ मूव टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू, जैसा मैंने आपको बोला, इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगा. तो ये भी खर्चे हैं बट इसकी जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट हो जाती है विद इन 1 ईयर. जैसे कि एग्जाम्पल सैलरी या रेंट, रेंट या सैलरी मान लो,
तो अगर हम सैलरी दे रहे हैं एक वर्कर को, इफ वी आर गिविंग सैलरी टू अ वर्कर, तो क्या वो मल्टीपल इयर्स तक काम करेगा उस सैलरी में? नो, वो तो ओनली दैट मंथ के लिए सैलरी दे रहे हैं. द बेनिफिट विल नॉट स्टे फॉर मल्टीपल इयर्स. द बेनिफिट ऑफ दैट सैलरी विल एग्जॉस्ट, विल फिनिश इन दैट मंथ ओनली. अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो दैट रेंट, बेनिफिट ऑफ दैट रेंट विल एग्जॉस्ट इन दैट पीरियड ओनली. मल्टीपल इयर्स तक नहीं चलेगा. एक बार रेंट दिए तो एक बार, एक महीना यूज करोगे, दो महीने यूज करना है तो दूसरी बार रेंट देना पड़ेगा. ठीक है, सो एवरी टाइम यू हैव टू पे रेंट. तो इसका ऐसा नहीं है कि जैसे मशीन था एक बार में खरीदा बट फाइव इयर्स तक यूज कर रहे हैं. रेंट एक बार दिया तो एक ही मंथ यूज कर पाओगे. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस. एक एग्जांपल हमने देख लिया डे टू डे. अच्छा, डे टू डे का मतलब आप लिटरली डे टू डे मत समझ लेना कि एक ही दिन में खत्म हो जाता है क्या. डे टू डे कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म. ठीक है, डे टू डे डोंट टेक इट इन अ लिटरल सेंस. डे टू डे का मतलब होता है शॉर्ट टर्म विच इज लेस देन वन ईयर. तो डे टू डे को डोंट टेक इट, डोंट बी सो सीरियस, है ना. अच्छा, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि हाँ, अगर आप कुछ रिपेयर करा रहे हैं तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रिपेयर कराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. बट ऐसा रिपेयर कराया कि परफॉर्मेंस ही सुधर गया, ऐसा रिपेयर कराया कि मशीन इंप्रूव हो गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. इफ द मशीन इज बिकमिंग बेटर देन बिफोर व्हाट इट वाज बिफोर, उससे भी सुधर गया, वो इंप्रूवमेंट है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. बट छोटे मोटे रिपेयर, ऑयलिंग करवा रहे मशीन का, ठीक है ना, कुछ साफ सफाई करवा रहे हैं, कुछ नट बोल्ट चेंज हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Yes, purchase of any stock, that is also revenue expenditure. जो जो मैंने बगल में लिखा है वो भी आप लिखते चलना, revision के time में आपको बहुत काम आएगा. ठीक है, and be attentive because now questions are not going to come in a straightforward manner. जैसे COVID से पहले आते थे ना, वैसे questions नहीं आएंगे. 2018, 2019, even 2020, जो पुराने questions थे अब उस type के questions नहीं आएंगे. Questions will be conceptual based, question will be case based, question will be indirect. तो आपको बहुत attentively सुनना है जो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और जैसा जैसा ये video चल रहा है बहुत focus से सुनना, because only if you understand you will be answering the questions. क्योंकि questions के pattern change हो गए, right? आपने sample paper I hope देखा होगा. सर, ये depreciation क्या होता है? Depreciation होता है reduction in the value of asset. देखो, जैसे कि for example 2021 में मैंने एक machine खरीदा था जिसकी value थी 1 lakh, right? तो 2021 में मैंने machine खरीदा था जिसकी value थी 1 lakh, and now we are let's say in 2024, ठीक है, we are actually in 2024, but आप हो सकता है 2025 में भी देख रहे हो. तो 1 lakh का ये machine है, right? क्या 2024 में भी ये मशीन उतने का ही रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट. व्हेनेवर यू बाय समथिंग तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन होती है, एंड इसकी वैल्यू डाउन होकर 70,000 हो गई. तो सर बताओ, ये 3 इयर्स में ऐसा क्या हो गया? इस 3 इयर्स में मशीन 30,000 से वैल्यू रिडक्शन हो गया. इस वैल्यू रिडक्शन को क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन. दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जो आपका पॉइंट हेडिंग है. ठीक है, डेप्रिसिएशन. तो क्या ये 30,000 तो 3 साल में हुआ, मतलब एक every year it is depreciating by 10,000, right? तो जो depreciation होता है ना, उसे हम revenue expenditure कहते हैं. वो भी एक नुकसान है, वो भी एक खर्चा है, but वो revenue nature का है. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और short example दे देता हूँ इसका. जैसे हमने machine खरीदा 2023 में for 1 lakh, ठीक है, और 2024 में the value has gone down by 10,000 and now the value only remains 90,000. ठीक है, the value has gone down. इसे down को हम लोग क्या कहेंगे? Depreciation. ये नुकसान है, ये खर्चा है, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको depreciation बोल के दिखाएंगे. This will be revenue expenditure, right? ये expenditure है, but इसका impact इसी साल में खत्म हो जाएगा. ठीक है, next year के लिए अलग impact आएगा. Okay, ठीक है, एक और आप कर सकते हो, 5 पॉइंट हो जाएगा. अगर हम लोग कोई fixed asset बेच देते हैं, लेट्स से मैंने अपना मशीन बेच दिया और मशीन बेचने के टाइम मुझे लॉस हो गया, ठीक है, जितना प्राइस था उससे कम में बेचा, तो उस लॉस को भी मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलूंगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शॉर्ट टर्म. ठीक है, ओके. देन एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, वो ये है कि कब कब आप रेवेन्यू खर्चों को भी कैपिटल मान के चलोगे. रेवेन्यू खर्चे इसको कैपिटल कब मानेंगे? तो कैपिटल तब मानेंगे जब कोई फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड चीजें होंगी. जब एसेट एक्वायर हो रहा है या एसेट बन रहा है, ठीक है, वेदर वी आर मेकिंग एन एसेट और वी आर
बाइंग एन एसेट और वी आर गेटिंग एन एसेट, एसेट आने के टाइम जो जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं ना सब जुड़ जाते हैं एसेट में और वो कैपिटल ही माने जाते हैं, ठीक है, इवन दो दे आर नॉट कैपिटल बट एसेट आने के टाइम हो रहा है ना ये सब खर्चा तो कैपिटल मान लेंगे। कब कब मान लेंगे, देखो अगर रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल तो रेवेन्यू होता है एक्सपेंडिचर, बट अगर रॉ मटेरियल फिक्स्ड एसेट बनने के टाइम यूज हो रहा है तो कैपिटल मान लेंगे। अच्छा कैरेज, कैरेज मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का बात हो रहा है, कैरेज एंड फ्रेट इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट, ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट, लिखा हुआ भी है ट्रांसपोर्ट सेकंड लाइन में। सो अगर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वैसे तो रेवेन्यू होता है, ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट का बेनिफिट वी ओनली गेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, बट अगर ट्रांसपोर्ट एसेट का हो रहा है तो वो एसेट के कॉस्ट में जुड़ जाएगा और उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। वेजेस, वेजेस सैलरी ऑल ऑफ देम आर रेवेन्यू नेचर, बट अगर वेजेस सैलरी हम उसको दे रहे हैं जो एसेट बनाने में हेल्प कर रहा है तो ये खर्चे भी एसेट में जुड़ जाएंगे। तो इफ इट इज एसेट रिलेटेड, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, इफ कॉस्ट इज एसेट रिलेटेड, If cost is asset related, तो फिर वो capital बन जाएगा, तो फिर उस cost को आप revenue मत बोलना, ठीक है। Although वो revenue होता है but अगर वो asset में जा रहा है ना, जुड़ रहा है किसी भी तरीके से, तो उसे आप asset में डाल दो, उसे आप capital expenditure कहना, ठीक है। Repair normally तो revenue होता है, लेकिन अगर repair इतना कर दिया कि asset improve हो गया तो फिर उसे हम कैपिटल कहेंगे, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होता है जो हम लोग बिजनेस शुरू करने के टाइम करते हैं। प्रीलिमिनरी मीन स्टार्टिंग, प्रीलिमिनरी वर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग। तो जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ रजिस्ट्रेशन के खर्चे लगते हैं, लीगल फीस वगैरह वो सब लगता है, तो वो फीस तो लग रहा है एक बार बट उसके बेनिफिट्स मल्टीपल ईयर्स तक आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आई डू ओनली व्हेन आई स्टार्ट द बिजनेस बट आई डू बिजनेस फॉर 10 years, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे। सो ऑल्दो इट इज रेवेन्यू इन नेचर बट अगर इसका बेनिफिट मल्टीपल इयर्स तक आता है तो कैपिटल मान लिया जाएगा, ठीक है। डिफरेंसेस आप एक बार खुद से कर लेना, यू कैन डू, यहाँ पे 6 है तो यू कैन डू एनी 3 या 4 आप करके चलिएगा, 5 कर लोगे तो और बढ़िया, ठीक है। सो डिफरेंसेस आप एक बार देख सकते हैं, अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये आप खुद से देखोगे, खुद का दिमाग चलाओगे तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू इन द डिफरेंस, व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ वही सब डिफरेंसेस में किया हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड है? तो रेवेन्यू बट कैसा? डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है जो डिले कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम मान लो फेब में है और काउंसिल बोलती है कि दिस टाइम वी आर डेफरिंग द एग्जाम टू मार्च, तो फेब से डेफर कर दिया मार्च में, मतलब डिले कर दिया, ठीक है। तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, नो डाउट दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मल्टीपल ईयर्स तक चले जाते हैं, कभी कभी। अभी देखेंगे नीचे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल मान लो ये वाला हैवी एडवर्टाइजिंग, तो आपने एडवर्टाइजमेंट किया इस साल बट आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों के दिमाग में बैठ गया एंड लोग नेक्स्ट ईयर भी आ रहे खरीदने कि आपका एड देखा था उस साल। तो आपका एडवर्टाइजमेंट कभी कभी इतना जबरदस्त होता है, बहुत खर्चे लगा दिए, ठीक है, कोई सुपरस्टार को ले लिया आपने उस एड में, कोई सेलिब्रिटी को ले लिया एंड पीपल रिमेंबर योर एडवर्टाइजमेंट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। जैसे फॉग जो परफ्यूम आता है, तो फॉग का एक टैगलाइन था ना, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है इंडिया में, तो फॉग चल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा था कि दिमाग में रह गया, अभी अब अगर वी गो टू बाई सम परफ्यूम तो एक माइंड में रहेगा कि अच्छा फॉग का एड देखा था, चलो फॉग ले लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट हुआ 1 year में बट द बेनिफिट में हैपन इन अनदर ईयर। तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते क्या? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर तब बोलेंगे ना व्हेन वी बाय एनी एसेट। यहां तो कोई एसेट नहीं आया, वी डिड नॉट परचेज एनी लैंड, वी डिड नॉट परचेज एनी बिल्डिंग, वी डिड नॉट परचेज एनी एसेट, मशीनरी, नथिंग। तो अगर एसेट खरीदते ना तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते, बट सिंस देयर वाज नो एसेट, यहां पे मैंने मार्किंग भी किया है, अगर आप इस मार्किंग को पढ़ोगे तो जो जो मैं बोल रहा हूं यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट दीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, तो इसीलिए डेफर्ड रेवेन्यू, नॉट कैपिटल बिकॉज नो एसेट वॉज बॉट, ठीक है, नॉट कैपिटल व्हाई? बिकॉज नो एसेट
कोई एसेट का गेन नहीं हुआ, तो इसलिए कैपिटल नहीं बोल सकते, तो रेवेन्यू को ही लॉन्ग टर्म मतलब डेफर्ड रेवेन्यू, राइट। एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है और बाकी एग्जाम्पल आप खुद से देख सकते हो। रिसर्च एक्सपेंस, ठीक है, रिसर्च, अगर आप कुछ रिसर्च करते हो अपना प्रोडक्ट में, यू वॉन्ट टू मेक अ प्रोडक्ट एंड आप प्रोडक्ट में कुछ रिसर्च कर रहे हो, हाउ टू मेक इट बेटर, तो रिसर्च आपने किया इस साल, बट बेटर तो आपका मल्टीपल ईयर्स तक हो जाएगा ना, ठीक है। तो दीज आर रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉट कैपिटल, बिकॉज कोई एसेट नहीं बना यहाँ पे, तो नॉट कैपिटल, राइट। ओके, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रेम कर सकते हैं। वट दे विल डू, दे विल गिव यू क्वेश्चन एंड देन दे विल आस्क यू कि बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सबका सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है आपके बुक में, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज नॉलेज मैंने आपको दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन आपके बुक में है, सोल्यूशन भी है, तो आप मेरा नॉलेज यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड रीड द सोल्यूशन, एंड दे हैव गिवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दे हैव गिवन द रीजन ऑल्सो, तो आपको ये करने से और क्लैरिटी आ जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार के लिए अभी दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन वन, इलस्ट्रेशन वन एंड इलस्ट्रेशन टू है, इससे आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आ जाएगा एंड देन आप चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे चल सकते हैं। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग आप पॉज करके वो कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, तो वो था एक्सपेंडिचर का बात, एक्सपेंडिचर में खर्चे होते हैं और रिसीट में पैसे आएंगे, राइट। तो कैपिटल रिसीट कब कहेंगे, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो कि नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉट रेगुलर, तो कोई ऐसा पैसा आ रहा है जो कि बहुत रेगुलरली नहीं आता, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे यहां पे दिया हुआ है अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ लोन्स, तो पैसे आ रहे हैं, बट पैसे कैसे आ रहे हैं, बैंक से लोन लिया हमने, तो क्या बैंक से हम लोग रोजाना लोन लेते हैं, डू वी टेक लोन एवरी डे, डू वी टेक लोन एवरी मंथ, जस्ट लाइक वी सेल गुड्स, तो हमें पैसे डेली आते हैं, ठीक है। सपोज हमारा बिजनेस है, हम लोग बेच रहे हैं कुछ, तो हमें पैसे डेली आते हैं, ठीक है, हमारा शॉप है, वी सेल एवरीथिंग, not everything, but we sell our product and then we get money. So that is everyday affair. But loan lena, is it also everyday affair? No. Loan hum log 5 years, 10 years mein ek bar lete hain. So not regular. So agar not regular paisa aa raha hai na, to aa raha hai to receipt. Not regular hai to capital receipt. ठीक है, ये उसका मीनिंग हो गया। यहाँ एक दो एग्जांपल है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल कर लेना। देखो एग्जांपल आप चाहो तो सारा करना, ठीक है। अच्छा, लास्ट में दिया है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एंडोमेंट्स, मतलब देखो कभी कभी गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियली हेल्प करती है, ठीक है, तो उसे भी आप कैपिटल रिसीट मानना। जैसे आई गिव यू वन एग्जाम्पल बिकॉज आई नो दिस, बिहार स्टेट में क्या होता है, इन बिहार अगर आप बिहार के बैकवर्ड रीजन्स में जाके फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है, अगर आप बिहार के बैकवर्ड रीजन्स में फैक्ट्री सेटअप करते हैं ना, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो 40% आई थिंक 40% ऑफ द कॉस्ट विल बी गिवन बाय द बिहार गवर्नमेंट। मतलब अगर आपको फैक्ट्री लगाने में लेट्स से 10 लाख रुपीज का खर्चा आया, इफ 10 लाख रुपीज का खर्चा आया ना, तो 10 लाख में से 4 लाख यानी 40% यू विल गेट फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट। तो आपको कितना लगाना होगा, आपको ओनली 6 लाख लगाने होंगे, यू विल ओनली हैव टू गिव 6 लाख। 4 लाख कहां से आएगा, 4 लाख विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये जो 4 लाख आया, ये तो आया तो रिसीट है, कैसा रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये सरकार आपको हर साल नहीं देगी। आपने इस साल फैक्ट्री लगाया, उनके स्टेट में जाके फैक्ट्री लगाया, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे हो, आप वहां जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपए उस खुशी में दे रही है, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट है, तो इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसको वापस नहीं करना होता, ठीक है। तो दीज आर हेल्प्स विच आर नॉट टू बी रिटर्न्ड, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली कैपिटल रिसीट्स का उल्टा हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स, तो यहां पर रेवेन्यू रिसीट्स दिया हुआ है, तो कैपिटल रिसीट हुआ नॉट रेगुलर, रेगुलर वाला हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। तो रेगुलर में क्या आता है, जो हम लोग शॉप में रोज बेचते हैं तो पैसा आता है, अगर हम लोग कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो रेगुलर अर्निंग है, ठीक है। सो व्हेन वी सेल आवर गुड्स, ठीक है, इसको टर्नओवर कहते हैं। तो व्हेन वी सेल आवर गुड्स, व्हाट वी गेट इन रिटर्न इज रेगुलर इनकम, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। इसको आप एग्जांपल कर सकते हो, जैसे रेंट, अगर टेनेंट से रेंट रिसीव करे, टेनेंट मतलब जो रेंट पे रह रहा है, तो जो रेंट पे रह रहा है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा, तो लैंडलॉर्ड के लिए वो एवरी मंथ का इनकम है। दोजूर
receive rent, they receive every month. तो वो उसके लिए वो revenue receipt है, ठीक है? So with this the chapter is over, ठीक है? Capital loss, capital profit, revenue profit, these are not in the syllabus. तो इसके बाद का आप सारा topic काट सकते हैं. Illustration 10, illustration 11, you don't have to do, ठीक है? So with this the chapter is over. I hope आपको ये chapter समझ में आया है और आपको ये videos कैसा लग रहा है? Please comment box में बताइएगा. But जब मैं आपका comment पढ़ता हूँ and if you आर गेटिंग हेल्प तो आई ऑल्सो गेट मोटिवेशन टू डू मोर फॉर यू, ठीक है? मुझे लगता है कि हाँ मैं जिसके लिए कर रहा हूँ दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट. तो आपको कैसा फील हो रहा है, ये सब वीडियोज आपको कितना हेल्प कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई कितनी जल्दी हो पा रही है, इन सब के बारे आप प्लीज थोड़ा कॉमेंट में लिखेगा तो आई गेट एन आइडिया कि हाउ इट इज हेल्पिंग यू. कोई सजेशन भी है तो आप दे सकते हैं, ठीक है? आई एम ओपन टू इट. थैंक यू सो मच एवरी वन, विल मीट वेरी सून.